दो आपका चॉकलेट। क्या हुआ बाबा, क्या परेशानी है आप बताएं? बेटा तेरी तो ख्वाहिश है हज या उमरा। बाबा मैं अल अरीस टूर्स एंड ट्रैवल्स को जानता हूँ। हाँ हाँ वही जो नियामत तहरी के अपोजिट और जमजम बेकरी के पीछे। ज्यारतें कैसे करूँगा और हैदराबादी खाना? वहाँ पे आपको ज्यारतें अच्छे से हो जाएगी। वो हैदराबादी खाना 3 टाइम लजीज खाना ईरानी चाय के साथ। और अब्बाजान आपको पता है हैदराबाद से जिद्दा, जिद्दा से हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट है। मक्का मदीने को जाने के लिए वहाँ पे एसी बस का भी इंतजाम है। अल अरीस टूर्स एंड ट्रैवल्स, आप भी तशरीफ लाएं। आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद आजम, आरएच 9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाने वाले एक नौजवान को मलकाजगिरी स्पेशल ऑपरेशन टीम और नरेडमेट पुलिस के अहलकारों ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। बतारीख 27 सितंबर को एक जराये से मिली मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मलकाजगिरी जोन स्पेशल ऑपरेशन टीम के अहलकारों ने मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई। मुलजिम पर इल्जाम है कि यह गैर कानूनी तौर पर अपने पास हथियार रख रहा था। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शिनाख्त कुछ इस तरह से की गई। बोलंका साईराम रेड्डी, उम्र 25 साल और ये मधुरा नगर का रिहायशी बताया गया। केस के मुख्तसर से हकायक यह है कि बोलंका साईराम रेड्डी रियासत एपी के काकीनाडा टाउन का रहने वाला है और इसने 4 साल कबल बीकॉम कंप्यूटर किया था और वो 2 साल तक बगैर किसी काम के अपने घर पर रहा और बाद में काकीनाडा में रायमंड कपड़े की दुकान में सेल्समैन के तौर पर काम किया। बाद अज़ा वो हैदराबाद शिफ्ट हो गया और अमेजोन में नागोल ब्रांच में 4 माह तक ऑफिस बॉय के तौर पर काम किया और वो मुजरिमाना पसपर्दा 2 चोरी के मुकदमात में मुलविज रहा और जेल भी चला गया। जेल से रिहाई के बाद इसने आसान पैसा कमाने का मंसूबा बनाया और इस सिलसिले में इसने महाराष्ट्र रियासत के एक शख्स से राब्ता किया कि वो कम कीमत पर हथियार खरीदे और हैदराबाद के इलाके में जरूरतमंद सार्फिन को ज्यादा कीमत पर फरोख्त करे। और अपने मंसूबे के मुताबिक साईराम रेड्डी ने महाराष्ट्र रियासत के एक शख्स से 7 मुख्तलिफ किस्म के हथियार खरीदे। बाद में इसने हथियार फरोख्त करने और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविज होने का मंसूबा बना लिया और फिर बतारीख 27 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे साईराम रेड्डी आर के पुरम के इलाके में मशकूक हालत में घूम रहा था। एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी पुलिस ने नरेडमेट पुलिस के साथ मिलकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के कब्जे से 7 देसी साख्ता पिस्तौल, 11 जिंदा राउंड, एयर पिस्तौल, 6 मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसील। कंप्यूटर ग्रेजुएट थे, बाद में काकीनाडा में काम करते थे, बाद में हैदराबाद आया, इधर हैदराबाद में अमेजन में काम कर रहे, इधर भी एक ऑफेंस में इन्वॉल्व हुआ थेफ्ट केस में और काकीनाडा में भी एक 4 फीट 7 3 हाउस बर्गलरी में गोल्ड और मनी चोरी उसमें इन्वॉल्व हुआ। इधर आने के बाद उनको रिमांड करने के बाद इधर से जेल जाने के बाद जेल में दूसरे लोगों से मिलने के बाद बिगर ऑफेंस करने के लिए कॉन्टैक्ट्स बढ़ा दिया। बाद में वो मुंबई चले गया, मुंबई में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करके ये 7 वेपन उधर से ले आया है कि इधर भेजने के लिए और बिगर क्राइम करने के लिए इधर कोशिश कर रहे। ऐसा हमारा एसओटी ऑफिशियल्स ये अरेस्ट करने में एसओटी डीसीपी रमना एंड एसओटी डीसीपी मुरलीधर दोनों अच्छा काम करके ये बड़ा ऑफेंस 3 सेट में होने वाला ऑफेंस को रोक दिया। और ये महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना हमारा सेट में ट्रांसपोर्ट तो करने वाला इधर रहने के लिए कोई ऑफेंस करने के लिए वेपन यूज कर सकते। और ये एक बार ये ऐसा स्टार्ट करते तो इसको डिटरेंस हो गया, दूसरों भी ऐसा पकड़ जाता बोल के उनको भी मन में धरा गया और ऑफेंस करने के चॉइस भी हम उनको नहीं दिया। इसी के लिए आई एम अप्रिशिएटिंग द वर्क डन बाय आवर एसओटी ऑफिशियल्स एंड विल कंटिन्यू टू डू द सेम ऑपरेशंस। थैंक यू। तो नाज़रीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।